एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर। घर पे ही मैं पनीर बनाऊँगी दूध से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कच्चा दूध होता है उसको हमें बॉयल कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं पनीर बनाऊँगी। ये देखिए कच्चा दूध है, ये इसको बॉयल होने देना है अच्छे से। देखो ये बॉयल होएगा, जैसे ये बॉयल होगा वैसे ही हमें थोड़ा सा विनेगर ले लेना है। विनेगर में वाटर थोड़ा मिक्स करना है, उससे बहुत जल्दी जो है ये पनीर फट जाएगा। तो ये देखिए मैंने विनेगर ले लिया है और थोड़ा थोड़ा हमें डालना है। ये तो इतना तो डालना ही पड़ेगा और हमें इसको हिलाते रहना है। जैसे ये फटना थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, इतने से तो नहीं फटेगा, इसमें और हमें विनेगर डालना पड़ेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा फटना स्टार्ट हो गया है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो। अब इसमें और विनेगर डालना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं और विनेगर डाल रही हूँ और ये जो है इसको फुल गैस फुल पे रखना है। और ये देखिए ये जो है फट गया है पनीर भी अच्छे से, पता नहीं पूरी तरह से फट जाएगा या नहीं। थोड़ी देर हमें ऐसे हिलाना है, जब बिल्कुल पानी अलग हो जाएगा। और ये देखिए पनीर, ये देखिए फट गया है, और हिलाते थोड़ा जब पूरी तरह से ये फट जाएगा। तो ये देखिए ये फट गया है पनीर। तो देखिए पूरी तरह से जो पानी है वो अलग हो गया है, ये देखो, और जो पनीर है वो बन गया है। चलो 1 मिनट के लिए हम और हिलाते हैं, क्या पता थोड़ा ज़्यादा विनेगर भी नहीं डालना है हमें, बस काफ़ी है इतना। तो ये देखिए अब हमें इसको क्या करना है कि इसको पानी से अलग कर देना है। हमें एक ऐसा कपड़ा चाहिए वाइट कलर का, ये जो मतलब ये देखिए इतना पतला सा कपड़ा चाहिए कोई, और इसमें हमें कर देना है फिर पनीर को अलग, निकाल देना और पानी को निचोड़ देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें करना है। तो ये देखिए बकेट में हमें ऐसे एक चुन्नी बांध देनी है और ऊपर से हमें ऐसे पनीर बांध देना है, अच्छे से टाइट बांध देनी है ताकि चुन्नी जो है नीचे ना। अब हमें क्या करना है कि इससे ये निकाल देनी है, चुन्नी खोल देनी है और ध्यान से उठानी है इस तरह से, देखो। देखो और ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हमें ये हल्के हल्के से इसको घुमाना है इस तरह से, ताकि ये पानी जो है पूरा, बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि ये। और इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये देखिए इसके बाद एक प्लेट पे इसको रख देना है, इस थाली पे देखिए इसको ऐसे रख दूंगी और इसके ऊपर कुछ हैवी सी चीज़ रख देनी है, जिसकी वजह से जो इसकी पनीर की जो शेप है वो सीधी आ जाए और इससे जो पानी भी है वो पूरा जो है निचोड़ जाएगा। अभी देखो मैं इसके ऊपर रखूंगी। तो ये देखिए ये बहुत भारी होती है तो इसको हम ऐसे रख देंगे। तो हमें रखना है हाफ आवर तक, हमें इसको ऐसे ही। अब हाफ आवर हो गया है, अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए तो ये बन गया है जी पनीर हमारा, तैयार हो गया है। देखो अब थोड़ी देर हम ठंडे पानी में रखते हैं, थोड़ी देर ठंडा पानी मैं इसमें डालती हूँ। तो ये देखिए ठंडे पानी के बीच मैंने ये रख दिया है 10-15 मिनट्स तक, तब तक मैं प्याज और टमाटर कट कर देती हूँ। तो ये देखिए पनीर जो है ठीक हो गया है पानी में, ठंडे पानी में मैंने प्याज और टमाटर भी कट कर दिए। अब मैं इसे पानी गिरा दूँगी
और अब मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल जो है इतने अच्छे से जो है पनीर बन गया है। ये देखो अब मैं इसकी पीसेस कट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कर दिया है पनीर कट। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये ले लिया है मैंने कढ़ाई में तेल और साथ में मैं ये सामान सारा यहाँ पे रख दूंगी। ये देखिए और ये है प्याज टमाटर और ये है पनीर। तो चलो मैं आज आपको रेसिपी बताती हूँ पनीर बनाने की। तेल जो है गरम हो गया है तो हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा के बाद प्याज को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देंगे। अब जो है प्याज हुए ब्राउन, अब हम पहले डालेंगे धनिया, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद डालेंगे हल्दी। हल्दी के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च के बाद हम डालेंगे ये है देगी मिर्च, और देगी मिर्च के बाद हम डालेंगे मेथी। तो ये सब चीज़ें हमने डाल दिया, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि टमाटर भी डालने हैं, तो अगर हम टमाटर के बाद नमक डालें तो ज़्यादा अच्छे से टमाटर जो है जल्दी से पक जाते हैं। थोड़ी देर इसको ऐसे हम होने देंगे सेकेंड्स तक। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। ये देखिए टमाटर के बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है ताकि टमाटर जो है जल्दी से पक जाए। इसके बाद डालना है नमक। तो ये देखिए जी टमाटर भी हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी पनीर। और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये देखिए जी ये मैंने बना दिया है पनीर, ये बन के हो गया था। अब इसको मैं 2 मिनट्स के लिए रहने दूंगी थोड़ा सा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए पनीर का कलर कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।